दोस्तों, क्या आप भी ईएमआई पर मोबाइल खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और सिर्फ डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा? मैं हूं ना आपको इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूं कि डेबिट कार्ड से किस तरह से ईएमआई पर मोबाइल या आईफोन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं वही डिटेल में बताऊंगा कि आपको डेबिट कार्ड से ईएमआई पर मोबाइल खरीदने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। तो अभी हम शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेबिट कार्ड से किस तरह से ईएमआई पर मोबाइल या आईफोन खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिए क्या प्रोसेस करना है वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डेबिट कार्ड ईएमआई जो है वो अमेज़न पर आप खरीद सकते हैं। ठीक, अमेज़न जो एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर से आप खरीद सकते हैं और ये अमेज़न के ऊपर 8 तारीख से ये सेल शुरू हो रहा है और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है मोबाइल के ऊपर और आपको काफी फायदा होगा। अगर आप ईएमआई पर खरीदते हैं तो भी आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, आप भी एक अच्छा सा स्मार्टफोन या फिर आईफोन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 4 ऐसी बैंक बताने वाला हूं जिसका अगर कार्ड है डेबिट कार्ड तो आप बड़े ही आसानी से आप यहां पर मोबाइल खरीद सकते हैं या फिर आईफोन खरीद सकते हैं या फिर लैपटॉप खरीद सकते हैं, आप जो चाहे वो यहां पर ईएमआई पर खरीद सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ बैंकों के नाम बता देता हूँ जिसका अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो HDFC बैंक और यहाँ पर कोटक बैंक या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है या फिर ICICI बैंक, ये जो 4 बैंक मैंने आपको बताए, एक HDFC बैंक और दूसरा कोटक बैंक और यहाँ पर तीसरा एक्सिस बैंक और चौथा ICICI बैंक, ये जो 4 यहाँ पर बैंक मैंने आपको बताए इसका अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर अमेज़न के ऊपर आप अच्छा सा स्मार्टफोन या फिर आईफोन खरीद पाएंगे ईएमआई पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो मैं आपको अभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमें ईएमआई पर मोबाइल खरीदने से पहले क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। अभी मैं अमेज़न एप्लीकेशन है इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो सर्च बार है यहाँ पर हमें एक यहाँ पर मोबाइल सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर एक आईफोन सर्च कर लेता हूँ और आईफोन सर्च करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आईफोन है खरीदना है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद ऑल ईएमआई प्लान इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। अभी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, अमेज़न पे लेटर और डेबिट कार्ड ईएमआई। इसके ऊपर डेबिट कार्ड ईएमआई इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बैंक हमें देखने को मिल जाती है। पहली बैंक है HDFC बैंक और दूसरी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पर तीसरी बैंक एक्सिस बैंक और यहाँ पर ICICI बैंक। ये 4 जो बैंक है इसका अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप बड़े ही आसानी से मोबाइल खरीद सकते हैं कौन सा भी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर HDFC का आपके पास कार्ड है डेबिट कार्ड तो आपको क्या करना है, MyHDFC या कैपिटल में टाइप करना है और उसके बाद में हमें 5676 और 712 इस नंबर के ऊपर हमें जो भी आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल होगा बैंक के साथ उस नंबर से आपको क्या करना है, मैसेज सेंड कर देना है MyHDFC ये यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर टाइप कर लिए के बाद। ठीक है, और मैसेज सेंड कर देना है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक का अगर डेबिट कार्ड है आपके पास
तो डी सी ई एम आई ये कैपिटल लेटर्स में आपको टाइप करना है, और इसके बाद में 5-6 और उसके बाद में स्पेस छोड़ के 4 डिजिट, लास्ट जो 4 डिजिट डेबिट कार्ड का है वो 4 डिजिट टाइप करना है, और उसके बाद में 5676 और 788 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज छोड़ देना है। और एक्सिस बैंक का अगर डेबिट कार्ड है तो भी यहाँ पर भी वैसा ही प्रोसेस है, डी सी ई एम आई इस ऐसे यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको टाइप करना है, और उसके बाद में स्पेस छोड़ के 4 डिजिट, लास्ट जो 4 डिजिट है वो आपको डाल देना है, और उसके बाद में 5616 और 1600 इस नंबर के ऊपर मैसेज छोड़ देना है। अगर आपके पास ICICI बैंक है तो आपको SMS में डी सी ई एम आई ये आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद में स्पेस छोड़ना है, और लास्ट में 4 डिजिट डेबिट कार्ड का वो नंबर डालना है, और उसके बाद में 5676 और 766 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज छोड़ देना है। तो उसके बाद में बैंक आपका जो डेबिट कार्ड है इसके ऊपर जो भी डिटेल है, यानी आपका किस तरह से यहाँ पर स्कोर चलता है वो देखेगी, उसके बाद में एलिजिबल हो या नहीं हो वो बैंक आपको मैसेज करेगी। अगर आप एलिजिबल हो तो ये जो पेज है ये हट के आपके पास यहाँ पर ईएमआई का कुछ इस प्रकार का आपके पास एंटरप्राइज दिखेगा, ठीक है, ईएमआई का कुछ इस तरह से डेबिट कार्ड के नीचे इस तरह से आपके पास भी ऑप्शन दिखेगा, और उसके बाद में जो ईएमआई के यहाँ पर जिस जैसे कि देख सकते हैं 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ इस तरह से आपको ये इस तरह से एक अलग पेज दिखेगा, ठीक है, ऐसा पेज ये जो पेज है ये नहीं आएगा, और उसके बाद में ये जो पेज है इस तरह का ही आएगा, और उसके बाद में आप बड़े ही आसानी से कौन सा भी आईफोन या स्मार्टफोन डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर खरीद सकते हैं। तो आगे की वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेबिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदते हैं, सेम प्रोसेस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, लेकिन यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक करना होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करी। इस तरह से आपके पास भी अगर ये 4 बैंक के कार्ड हैं तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर कौन सा भी आईफोन या फिर स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसी ही नई नई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो और आपको जो फायदा हो ऐसी वीडियो मैं लाऊं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही खास इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू।